अस्सलामुअलैकुम। आज आपका मेरे चैनल में वेलकम हो गया जी। मैं आपके लिए आज स्मोक के बारे में कुछ लेके आया हूँ कि जो अलार्म आता है, कुछ लोग समझते हैं कि स्मोक डिटेक्टर ख़राब हो गया है, तो उसके रीज़न पे मैं आपके लिए वीडियो लेके आया हूँ गाइस। इसमें आपको देखना चाहिएगा कि जैसे कि प्री अलार्म आता है या ये होता है कि बहुत से बंदे होते हैं कहते हैं कि स्मोक ख़राब हो गया, बेसिकली वो स्मोक ख़राब नहीं होता। आपको बताता हूँ मैं कि उसके अंदर क्या प्रॉब्लम होती है। आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें, आपसे रिक्वेस्ट है, नीचे लाल बटन है उसको क्लिक करके घंटी दबा दें और चलें आपको मैं वीडियो की तरफ लेके जाता हूँ। जैसे कि गाइस ये देख सकते हैं, ये एक स्मोक डिटेक्टर है और आप देख सकते हैं कि इसकी हालत कैसे हुई हुई है, कि जैसे कि प्री अलार्म, ये देखें इसके ऊपर कितनी डस्ट है, ये देख सकते हैं। इसके वजह से प्री अलार्म और अलार्म आता है, जैसे हम पैनल से रीसेट करते हैं तो ये ख़त्म नहीं होता। देख सकते हैं आप कि यहाँ से इसके अंदर डस्ट चली जाती है और वो इसके अंदर सेंसर होता है, मैं आपको खोल के बताता हूँ अभी। ये देखें, ये हम इधर इसका स्क्रू होता है, इसको यहाँ से खोलना पड़ता है। यहाँ से खोल के जैसे कि ये देख सकते हैं आप कि यहाँ से इसको खोल रहा हूँ मैं, ये यहाँ से खुलेगा और ये देखें, ये डस्ट की वजह से इसका जो स्क्रू है वो भी बहुत ही टाइट हो गया है जी। देख सकते हैं आप इसका स्क्रू कितना टाइट है, ये इसका स्क्रू यहाँ से खुल जाएगा। ये मैं इसको ओपन करके आपको दिखाऊंगा। जैसे कि आप देख सकते हैं इसके अंदर एक सेंसर होता है, ये इसका स्क्रू खुल गया, ये इसका स्क्रू देख सकते हैं आप, और इसके दो साइड पे लगा होता है। बट ये एक टेस्टिंग के लिए आपको बताने के लिए था, ये मैंने पहले खोल के रखा होता है। ये देखें, ये देख सकते हैं आप इसके अंदर कितनी डस्ट है, ये देखें। और इसके यहाँ पे स्क्रू लगा होता है, यहाँ से खोलना है, ये देख सकते हैं, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ। इसको यहाँ से क्लीन करना है आपने, आप यहाँ से कोई हवा, कोई ऐसी चीज़, ये देखें ये स्क्रू है, लेकिन इसको मैं खोलूँगा, कोशिश करूँगा, अगर खुल गया नहीं तो मैं आपको बता दूँगा कि आपने क्या करना है इसको। ये देख सकते हैं ये नहीं खुल रहा, और आपको क्या करना है, इसको यहाँ से किसी कपड़े से कोशिश करनी है, कपड़े से, टिश्यू से नहीं करना है, क्योंकि टिश्यू से करोगे तो इसके, ये देखिए सेंसर होते हैं, इसके आगे सेंसर आएगा तो मुश्किल आएगी। तो गाइस ये आपने ऐसे करके इसको क्लीन कर लेना है, ये देख सकते हैं आपके स्मोक क्लीन हो जाएगा, एकदम ऐसा हो जाएगा। बट और बाद में जाके आपने पैनल रीसेट कर